Hello and welcome. This is a new series that we are starting, and this series is called Ask the Doctor. Hamare saath ek khas mehman judenge, jo ki doctor hai, aapke sawalon ke jawab denge. He's going to solve your problems. And aaj hum jo baat karne ja rahe hain, wo khas taur par back pain ya wo problems that germinate from your posture. And this is extremely important for those women who are working, who are sitting down for a very long time. एंड जिनके एक तरह से कह सकते हैं कि जिनका काम या जिनका दफ्तर उनकी प्रॉब्लम की वजह हो सकता है. तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल. वो स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, वहाँ पर लीड डॉक्टर हैं. शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए. यू नो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, द इशू ऑफ बैक पेन, यू नो इट्स अ वेरी कॉमन इशू, शुरुआत कैसे होती है और क्या ये एज स्पेसिफिक है कि एक सर्टेन एज में ही जाके होता है या दिस कैन हैपन टू एनीवन एनीटाइम? सो थैंक यू एंजेली फॉर द इनविटेशन एंड वी आर टचिंग ऑन अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर वुमेन हु आर प्रोफेशनल्स हु आर यू नो प्लस 35 व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट्स यू नो स्टॉप ग्रोइंग इन द हमारे जो सेल्स हैं, जो न्यू सेल फॉर्मेशन है, मसल डेवलपमेंट है, वो कम हो जाती है. एंड हमारा जो बैकग्राउंड जो हमने जो मतलब यूथ में हमारे जो एक्टिविटी के बेसिस पे जो मसल डेवलपमेंट होती है उसी पे हमारा रिलायंस होता है. सो बैक पेन का सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आज के हमारे यंग प्रोफेशनल्स और मिडिल एज प्रोफेशनल्स में है वो है बैड पॉस्चर. क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, एवरीवन इज ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड इज ऑन कंप्यूटर्स इंटरनेट एंड स्पेशली कोविड टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम से हुआ है, लैपटॉप यूजेज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, वर्किंग आवर्स हैव बिकम हेवायर. पहले क्या था कि ऑफिस गए 9 to 5 काम करा, वर्क फ्रॉम होम में तो वी आर सीइंग दैट देयर इज नो टाइम लिमिट, रात को भी काम हो रहा है, दिन में भी काम हो रहा है. एंड तो ये बैड पॉस्चर ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यूजेज ऑफ लैपटॉप एंड ऑल्सो यू नो हमारा जो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट पॉस्चर. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. ओके, सो ऑब्वियसली इट इज लंबे टाइम के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ही होगा. तो अगर अभी भी कोई अपने करेक्ट कर लेता है पोस्चर को तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी करेक्टेड विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर. डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ अवेयरनेस. अगर आप अवेयर होंगे, अगर इफ यू नो द राइट टेक्निक, राइट वे ऑफ सिटिंग, राइट पोस्चर ऑफ द बैक, राइट कर्व ऑफ द बैक, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि ये सब पोस्चर लिंक्ड है. एंड डॉक्टर के पास जाने के बाद भी हम लोग ये एडवाइस देते हैं, तो आप पहले ही अगर अपना पैसा बचा लीजिए. चलिए डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द मेन मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग एज फार एज आवर पोस्चर इज कंसर्न. सो अंजलि, देयर आर लॉट ऑफ फोकस एरिया. सो आई वुड लाइक टू कॉल दिस एज गुड एर्गोनॉमिक्स. सो एर्गोनॉमिक्स एक वर्ड है जो पोस्चर से लिंक्ड है. एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मेकिंग द बेस्ट फिट इन योर वर्क प्लेस, दैट इज एर्गोनॉमिक्स. तो वर्क प्लेस एक पायलट का अलग होगा, एक जर्नलिस्ट का अलग होगा, एक डॉक्टर का अलग होगा, एक यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग होगा. बट इसेंशियली हमें अपने असेसमेंट करनी पड़ती है कि हमारे वर्क प्लेस में हमारा मोस्ट कंफर्टेबल फिट क्या है, हमारे कितने सिटिंग आवर्स हैं, हमारा कितना मतलब हमारा मैनुअल कितना काम है, कितना झुकने का काम है, कितना बेंडिंग का काम है, कितने नंबर ऑफ आवर्स सस्टेंड है. और हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड वर्क प्लान होता है. एर्गोनॉमिक्स इज नॉट वन साइज फिट्स फॉर ऑल. हर किसी का एक अलग एर्गोनॉमिक पोस्चर है, एर्गोनॉमिक सीक्वेंस है, जिसको हमें उसको खुद असेसमेंट करके यू नो आई कैन गाइड ऑन दैट, बट असेसमेंट इज सेल्फ. ओके, सो हाउ वुड यू, अगर हम सिंपल टर्म्स में बताना चाहें कि जैसे कुर्सी पे बैठना या उस पे बैठना, तो क्या गलतियां हम करते हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग? सो देर आर फोर फोकस एरियाज. अगर हम कुर्सी की बात करें, अगर हम इस टॉपिक को हम एर्गोनॉमिकली हम बेसिकली ऑफिस वर्कर्स के लिए, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी है, हम ऑफिस पीपल आर मेनली ऑफिस बेस्ड और मेनली डेस्कटॉप बेस्ड, सो उसके लिए बात करें तो देर हमारा फोर फोकस एरियाज हैं. पहला फोकस एरिया है हमारा जो पोर्शन बैक का कुर्सी से टच करता है, डेट इज फोकस एरिया वन. उसका पोस्चर कैसे हम मेंटेन करें. दूसरा फोकस एरिया है हमारा पैरों का जमीन से टच करना, जो हमारे पैर नीचे कितने हैंग कर रहे हैं, कितने टच कर रहे हैं या ऊपर उठे हुए, वो सेकंड फोकस एरिया है. थर्ड फोकस एरिया है हमारा हाथों का डेस्क पे टच करना, जितना हमारा किस पोस्चर में हमारे हाथ जो है माउस को टच हैंडल करते हैं, डेस्क को हैंडल करते हैं, कीबोर्ड को हैंडल करते हैं. द फोर्थ फोकस एरिया इज अवर आई साइट. हमारा नेक जो है
कितना बेंडिंग है, कितना आईसाइट किस लाइन पे है मॉनिटर के. सो ये हमारे चार फोकस एरिया हैं जिन पे हम ऑफिस गोअर्स का एर्गोनॉमिक्स डिफाइन करते हैं. ओके, एंड हाउ डू पीपल मेक द मिस्टेक? क्या वो मतलब क्योंकि आपने फोकस एरियाज तो बताए, लेकिन गलती क्या करते हैं? क्या मैं जब बैठ रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू सिट स्ट्रेट, और उसके लिए यूजली सिट स्ट्रेट करने में मेरे शोल्डर्स जाम हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद मेरे शोल्डर्स पे प्रेशर आने लगता है. तो मतलब किस तरह से लोग जो बैठने में गलती करते हैं वो कौन कौन सी होती है? सो अगर पहली गलती माने तो सबसे पहले हमारे चेयर की हाइट की लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा. लोगों को चेयर का थोड़ा सा कंसेप्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट अवेयरनेस इज वेरी लैकिंग इन चेयर. जो चेयर को चूज करने में एक पहली गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, जो हम अगर जैसे आपने बोला आप सीधे बैठते हैं, तो सीधे बैठते हैं तो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप पूरा स्लाउच करोगे. इन दैट केस इट इज एक्सपेक्टेड, यू आर राइटली सेइंग दैट शोल्डर विल बी पेनफुल, क्योंकि आप बैक को तो ध्यान दे रहे हो लेकिन आप ये बोल रहे हो कि शोल्डर भी उसी से लिंक्ड है. तो यू कंप्लीटली स्लाउच आउट डाउनवर्ड्स फॉर द लैपटॉप एंड देन योर ट्रेपीजियस जो अपर बैक मसल्स हैं वो फटीग हो जाती है. सेकेंड प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि लोग सीधे नहीं बैठते हैं, वो स्लाउच करके वैसे बैठते हैं. तो उस केस में हंच्ड बैक पोस्चर होता है. हंच्ड बैक पोस्चर में उनकी कमर में नीचे बैक पेन होता है. सो अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, दोनों के you know depends on how you are sitting, right? और आप कह रहे थे कि पैर लगना important होता है, क्या पैर? Yes, पैर, please, yeah. किस तरीके से, क्या पूरा पैर लगना चाहिए या सिर्फ टिप्स लग रही हैं तो ठीक है? What we advise is जब आप चेयर पे एडजस्टमेंट, आजकल चेयर मॉड्यूलर आती है, all good companies are making good quality chairs for the office people. सो चेयर की हाइट को एडजस्टमेंट का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आपका जो बैक ऑफ द नी है दैट शुड बी एट द हाइट ऑफ द चेयर. जो चेयर का प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको बैठना है दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ बैक ऑफ द नी, क्योंकि यूजुअली जो चेयर की हाइट होती है वो आपके लेग के बराबर होती है इफ़ यू एडजस्ट दैट प्लेटफॉर्म. एंड यू शुड बी मेकिंग श्योर दैट अगर आप, क्योंकि आपकी हाइट, अब चेयर तो एग्जैक्टली कस्टमाइज होकर नहीं बन सकती, इट विल बी अ कस्टम, इट विल बी स्टैंडर्ड चेयर. सम पीपल आर शॉर्ट हाइट, सम पीपल आर लॉन्ग हाइट. अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके आपके पैर जो है माइट नॉट बी टचिंग द फुट. इन दैट केस यू शुड कीप अ फुट रेस्ट, क्योंकि पैर अगर हैंगिंग रहेंगे तो हमेशा बॉडी पे लोड रहता है ग्रेविटी का, तो अगेन वो हमारे को पेल्विस में और बैक पेन करेगा. कई लोग लंबे होते हैं, इफ सम लेडीज आर लॉन्गर इन हाइट, यू नो दे आर मोर टॉलर, इन दैट केस दे विल ट्राई टू स्लाउच टू एडजस्ट द यू नो हाइट, टू पैर स्लाइड करेंगे डाउनवर्ड. इन दैट केस दे कैन यूज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर चेयर टू बी लिफ्टेड अप. So that the leg, the foot is resting on the ground. Main idea is the foot should be comfortably resting on the ground. चाहे आप लंबे हो चाहे छोटे हो, ना तो आपको slide करना है foot को downwards ज़्यादा, ना आपको foot हवा में hang करने. दोनों cases में आपकी back पे और pelvis पे load आएगा. जी डॉक्टर, कई बार होता है कि कुछ चीज़ों का, जैसे आप कह रहे हैं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके या फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी एटलीस्ट हाइट्स की, चेयर की हाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. कई लोग अपने साथ कुशन भी लेके चलते हैं और उनको से राहत महसूस होती है, तो क्या इस तरह की चीजें यूज की जा सकती हैं अपनी जो चेयर आपको दफ्तर से मिल रही है उसको मोर कंपैटिबल और कंफर्टेबल बनाने के लिए? यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा एर्गोनॉमिक्स इज अ पर्सन स्पेसिफिक, इट इज नॉट डॉक्टर एडवाइस्ड. एर्गोनॉमिक्स जो है आपको कंफर्टेबल, बेसिकली व्हाट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन. हर आदमी का बॉडी ढांचा अलग है, हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हाइट अलग है, वेट अलग है. कई लोग ओबीस हैं, कई लोग स्लिम है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो व्हाट इज द योर मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन इन सिटिंग, वेदर इट इज कमिंग बाय कुशन, वेदर इट इज कमिंग बाय प्लेटफॉर्म, वट एवर, बट प्लेसमेंट ऑफ द कुशन, प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म should be according to scientific principles. Sometimes क्या होता है, हम क्वेश्चन लगाते हैं फॉर उस मोमेंटरली कम्फर्ट के लिए हम लगाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको फिर बहुत लंबा बैठोगे तो उसमें प्रॉब्लम कर देता है. तो इफ इट इज साइंटिफिकली प्लेस, लॉजिकली प्लेस, देन इट इज वेरी गुड. ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैं दफ्तर में लंबे वक्त तक बैठती हूँ, काम करती हूँ, क्या इसके अलावा कोई एक्सरसाइजेज या कुछ स्ट्रेचेज ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे मेरी पोस्चर को भी मैं रीसेट कर सकूं और थोड़ा रिलीफ भी मिल सके मुझे? ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज अ, यू नो, नाउडेज वी आर मोर फोकसिंग ऑन आवर प्रैक्टिस इनटू एक्सरसाइज मेडिसिन, क्योंकि एक्सरसाइज अपने आप में एक मेडिसिन है. इट्स नॉट ओनली मेडिसिन बट वी टेक फ्रॉम द माउथ. सो हम जो नॉर्मली एडवाइस करते हैं, आई पर्सनली एडवाइस माय पेशेंट्स हु आर कमिंग इन देयर 40s, स्पेशली यू नो विद बैक पेन और यू हैव गुड बैड पोस्चर, इज दैट एवरी 45 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक.
बाय पुटिंग एन अलार्म, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप याद रखो। आप फोन में अलार्म लगाओ 45 मिनट्स टू वन आवर का, जैसे आपका कंफर्ट जोन हो, सब यू नो डिपेंडिंग ऑन योर हाउ मच मोबिलिटी यू हैव, बट वन आवर एटलीस्ट के बाद आपको उठना है बाय डिफॉल्ट। यू हैव टू स्ट्रेच योर बैक, स्ट्रेच योर अपर आर्म, स्ट्रेच योर यू नो स्ट्रेच योर मसल्स, क्योंकि बॉडी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इवन इन द बेस्ट कंफर्टेबल पोजिशन सस्टेन्ड पॉस्चर इज अ प्रॉब्लम। जब भी कोई एक पोजिशन में हमारी बॉडी रहेगी कई घंटों तक, जैसे कॉलिंग का जॉब होता है या कंप्यूटर पे बहुत लॉन्ग आवर्स का, अकाउंट्स वाले लोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम टैली पे बैठते हैं और सब काम करते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लंबे पोस्चर, लंबे टाइम तक सस्टेन बैड पोस्चर रहता है। तो यस, डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ एक्सरसाइजिंग इन बिटवीन, स्पेशली वन आवरली। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि अलार्म लगा के रखिए, तो अगर हम बीच बीच में उठ करके यू नो आम काम कर सके, जैसे जाके उठ के जाके अपना पानी पी लीजिए या जाके किसी से बातचीत कराइए, तो एक थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। बट डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, एक एक जो शिकायत कई लोग करते हैं जो लॉन्ग आवर्स तक बैठते हैं, वो क्योंकि मैंने ये कॉमनली सुना है टेल बोन का पेन का बहुत आफ्टर अ सर्टेन एज एंड अ सर्टेन वेट women start complaining of it. तो बैठना, आपकी चेयर, ये सब तो contribute करते हैं, but is our weight also contributing to it? Yes, of course, Anjali, weight is also a big factor nowadays, and especially our lifestyle, lack of exercise, and you know our habits of eating, they are contributing to obesity. Obesity is a big epidemic. So definitely, जब weight ज़्यादा होता है, तो back पे ज़्यादा load पड़ता है. टेलबोन का पेन इज नॉट एंटायरली लिंक्ड विद वेट, इट इज आल्सो लिंक्ड विद द टाइप ऑफ द चेयर, क्योंकि टेलबोन जो होती है वो उस पर मसल कवर नहीं होता, वो बिल्कुल टच करती है जब हम बैठते हैं चेयर पे। तो जब हार्ड सर्फेसिज होते हैं चेयर के, समटाइम वी आर नॉट यू नो वी आर सिटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिज और वी आर यूज टू सिटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिज, तो वो टेलबोन पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, डेट इज कॉल्ड एज कॉक्सीडाइनिया। तो ये भी जैसे आपने बोला इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेंट वी आर सीइंग स्पेशली इन वुमेन कमिंग टू अस इन 40s एंड अबव 35। तो इसमें कुशन का रोल है, इसमें कॉक्सेक्स पिलो का रोल है, एक सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो का जिसपे हमारा प्लेटफॉर्म रहे, एंड यस वेट कंट्रोल का डेफिनेटली हर एस्पेक्ट में रोल है। चलिए लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, वर्क फ्रॉम होम इज अ थिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, हम सभी घर से काम कर रहे हैं और अपने घरों में कई लोग हैं जो कि अब एक लंबे टाइम तक शायद घरों में ही काम करें, उनके दफ्तरों ने उन्हें बल्कि वर्क फ्रॉम होम सेटअप बनाने की भी एडवाइस कर दिया है। तो जो लोग इस तरह का वर्क फ्रॉम होम सेटअप बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि जो अगर वो कुर्सी खरीदते हैं या बनाते हैं, लगाते हैं, चूज करते हैं, तो किस तरह की कुर्सी लें, किस तरह का वर्क स्टेशन बनाए, इफ यू कुड गिव सम पॉइंट्स। सो अगेन आई वुड लाइक टू गो ऑन विद द सेम यू नो स्टार्ट विद गुड एर्गोनॉमिक्स। जैसे मैंने कहा, हमारे अगर हम एक वर्क स्टेशन अपना बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है हमारे चार फोकस एरियाज हैं, हमारा टेबल है, हमारी चेयर है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा कीबोर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप एक डिवाइस है जो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, इट इज़ नॉट अ एर्गोनॉमिकली वेरी गुड डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें लैपटॉप ही यूज़ करना है तो ऑलवेज यूज अ पेरिफेरल कीबोर्ड, जिसमें क्योंकि लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि द स्क्रीन एंड द कीबोर्ड आर लिंक टुगेदर, सो एर्गोनॉमिकली देर इज नो वे वी कैन हैव अ गुड पोस्चर विद अ लैपटॉप, क्योंकि हम अगर कीबोर्ड पे जाके जाएंगे तो हमें स्लाउच करना पड़ेगा, अगर हम पीछे बैठेंगे तो हमें साफ दिखेगा नहीं। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स, यूज ऑफ डेस्कटॉप, चेयर एडजस्टमेंट सीक्वेंस, गुड चेयर, जैसे मैंने बताया था कि आपके पैर शुड बी गुड लैंडेड, आपकी बैक शुड बी सपोर्टेड, एंड नाइदर यू शुड बी स्लाउचिंग फॉरवर्ड, नाइदर यू शुड स्लाउचिंग बैकवर्ड, शुड बी न्यूट्रल, एंड द थर्ड इज द एस्पेक्ट और इज द यूजेज ऑफ द हैंड्स, हैंड शुड बी परपेंडिकुलर सो दैट द कीबोर्ड जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे, रिस्ट जो है नाइदर दे शुड बी ना ज़्यादा उठी हुई हो ना ज़्यादा बैठी हुई हो, दे शुड बी न्यूट्रल। जितना आप न्यूट्रल रखेंगे बॉडी को, जितना आप कंफर्टेबल होंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड थिंग, बट प्रॉब्लम इज एज यू सेड इन योर अर्लियर पार्ट दैट पहले ऑफिस में क्या होता है, हम गुड किसी से मिल के आ गए, चाय पी के आ गए, कॉफी पी के आ गए, अब वर्क फ्रॉम होम में हमें ये कुछ अपना करना पड़ेगा कि देर शुड बी सम मोटिवेशन टू गेट अप एंड मूव अराउंड, वेदर आप गार्डनिंग करने जा रहे हो या किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या टेलीफोन उठाने जा रहे हो, क्योंकि बॉडी रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट, बॉडी डज नॉट लाइक अ फिक्स्ड सस्टेन्ड पोस्चर। बिल्कुल, तो आपको यू हैव टू फाइंड दैट ब्रेक फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू गेट इट, नो मैटर व्हाट यू हैव टू टेक दैट ब्रेक। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सारे मेंबर्स को इतने अच्छे टिप्स दिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड से कि ये सिर्फ दफ्तर के लिए नहीं है, घर के लिए भी है, क्योंकि घर में भी हम लोग घंटों टीवी के सामने बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स के सामने बैठ जाते हैं, तो तभी भी आई थिंक पोस्चर का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
Thank you very much, Doctor, for joining us. Thank you.